मेरा सलाम हर वो एहतजाज में शामिल होने वाले हिंदू का, मेरा सलाम बहुजन समाज से ताल्लुक रखने वाले चंद्रशेखर का मुझे सलाम है। हर सेक्युलर जहन रखने वाले का जो एहतजाज में आकर आगे बढ़ा, मैं सलाम करता हूं। एहतजाज करने वाले एहतजाजियों, तुमको मेरा सलाम, तुम्हारी हिम्मत को मेरा सलाम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तुलवा मेरा सलाम, जामिया के स्टूडेंट तुमको मेरा सलाम, उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों को तुम्हारा सलाम, मेरा सलाम हर वो एहतजाज में शामिल होने वाले हिंदू का, मेरा सलाम बहुजन समाज से ताल्लुक रखने वाले चंद्रशेखर का मुझे सलाम है। हर सेक्युलर जहन रखने वाले का जो एहतजाज में आकर आगे बढ़ा, मैं सलाम करता हूं। लेकिन ये भी कहूंगा, सारी तवानाई सर्फ मत करो, कुछ तवानाई बचा के रखो। अगर मेरे पास हिम्मत है, ताकत है 2 घंटे तकरीर करने की, पूरे 2 घंटे अगर यही चीख के चिल्ला के चले गया तो फिर इसके बाद के जलसे में क्या बोलूंगा? सही है ना? सही है। तो कभी भी अपनी तवानाई को बचाना। असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में उस कागज को फाड़ कर, सिर्फ कागज को ही नहीं फाड़े, हवाओं को भी ऐसे बोलेंगे, ऐसा बोल किस फाड़े आप मुझसे बेहतर आते हैं, और किस किस की क्या हो गई है, क्या है वो भी आप करें। एहतजाज जारी है, और जब ये एहतजाज में अगर कमी आएगी तो अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी शोला बयानी को लेकर आ जाएगा, और थके हुए किस्मों में एक नई ताकत देगा और बता देगा हिंदुस्तान को। वो असद ओवैसी था जब उसने ऐवान पार्लियामेंट में फाड़ा है, अभी अकबर ओवैसी की बारी है। ये हिकमत है, हिकमत चाहे मैदान ओहद हो या मैदान बदर हो या फिर खंदक हो, हिकमत थी आहा की, हिकमत थी और आज भी हिकमत है। जिसका काम वो बेहतर जाने, डॉक्टर का काम डॉक्टर बेहतर जाने, इंजीनियर का काम इंजीनियर बेहतर जाने, सहाफत का काम सहाफी बेहतर जाने, एक इल्म का काम एजुकेशनिस्ट बेहतर जाने।